हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है, लेकिन अंत में सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। कुछ ऐसा ही हमारे डॉक्टर दिगंबर बेहरा जी के साथ हुआ। शुरू में तो इनके पास कभी स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया इनसे प्रेरणा लेना चाहती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डॉक्टर दिगंबर हैं कौन और इन्होंने समाज के लिए क्या किया। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। संघर्ष की आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया हो, सफलता के सही मायने वही समझ सकता है। चंडीगढ़ के रहने वाले डॉक्टर दिगंबर बेहरा, जिन्हें कभी अपने स्कूल जाने के लिए नंगे पैर कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, आज वो हजारों लोगों को लंग कैंसर से बचा चुके हैं। पीजीआई में वो 42 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके इस महान कार्य को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर दिगंबर बेहरा के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था, उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ पीजीआई में कार्यरत डॉक्टर दिगंबर बेहरा को आज भले ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया हो, लेकिन उनका बचपन काफी अभावों से बीता था। डॉक्टर दिगंबर बेहरा मूल रूप से कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं। कटक के एक छोटे से गांव में उनका परिवार रहता था। पढ़ाई के प्रति उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि कोई रुकावट उन्हें नहीं रोक सकी। बचपन में उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और वो नंगे पैर पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। उनके घर से स्कूल बहुत दूर था, वो कई किलोमीटर तक नंगे पैर चला करते थे। इन सब कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई के जज्बे को कायम रखा। वह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते चिकित्सा के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने MBBS की डिग्री उड़ीसा से हासिल की, जिसके बाद वो MD की डिग्री भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ PGI में अप्लाई किया। यहाँ उनका सिलेक्शन हो गया। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। अपना सिलेक्शन होने के बाद भी डॉक्टर बेहरा के मन में फीस न भर पाने का डर था, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली। उन्होंने पूरी लगन के साथ चंडीगढ़ PGI से MD की डिग्री हासिल की। MD करने के बाद फिर वे चंडीगढ़ PGI में रहकर ही लोगों की सेवा करना शुरू कर दी। इस तरह कई वर्ष संघर्ष करने के बाद आखिरकार वो डॉक्टर बने। 1982 और 1983 में मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का डिप्लोमा किया। वे 1984 में डिपार्टमेंट में फैकल्टी बने और सन 2000 में प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। अभी तक उनके 554 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर दिगंबर बेहरा शुरू से ही मानवता की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने फेफड़े के कैंसर के इलाज में महारत हासिल की। डॉक्टर बेहरा ने 2013 में भटिंडा की एक महिला जिसे 4th स्टेज का कैंसर था, उन्हें नया जीवन दान दिया था। उन्होंने कीमोथेरेपी के द्वारा उनका अच्छी तरह से इलाज किया। आज वह महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने चंडीगढ़ में रहकर ही लोगों की सेवा करने का कार्य जारी रखा। अब तक वे लाखों लोगों का इलाज कर चुके हैं। उन्होंने कभी अपना अस्पताल खोलने या प्राइवेट नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनका लक्ष्य लोगों की सेवा करना है, ना कि पैसे कमाना। डॉक्टर दिगंबर बेहरा का मानना है कि उनका बचपन भी काफी संघर्ष से भरा था, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था, जिस वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। डॉक्टर दिगंबर बेहरा अब तक 10,000 से अधिक लोगों का लंग कैंसर को ठीक कर चुके हैं, उनको नया जीवन दान दे चुके हैं। उनके इन महान कार्य को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। उन्हें पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। लोगों को संदेश देते हुए वो यही कहते हैं कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा अवार्ड है। हम सभी को मानवता की सेवा करनी चाहिए। हमारी वजह से अगर एक इंसान की जिंदगी भी समर्थ हो, तो उससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर दिगंबर बेहरा पिछले 43 सालों से चंडीगढ़ PGI में सेवा देते आ रहे हैं और वो कहते हैं कि वह हमेशा लोगों की सेवा करते रहेंगे। आज समाज को डॉक्टर दिगंबर बेहरा जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। डॉक्टर दिगंबर बेहरा आज सही मायने में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी सफलता की कहानी सभी को प्रेरित करने वाली है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी डॉक्टर दिगंबर बेहरा के इस महान कार्य की तहे दिल से सराहना करता है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आपको भारत के असली रत्नों के बारे में बता रहे हैं। इस भारत देश को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें और से बहुत डॉक्टर दिगंबर बेहरा जैसे लोगों की जरूरत है। डॉक्टर दिगंबर बेहरा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।